गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू योर क्लासेस गाइज. आज का हमारा सेशन है PQRS पे. PQRS में हम सॉल्व कर रहे हैं किरण बुक, जिसमें ए टू जेड हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं आपके किरण बुक के. तो गाइज आज हो गया है day 4. जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन अभी नहीं हुए हैं, हमने अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं. लेकिन अगर आपका कोई भी मिस हुआ है इन 4 दिन में, तो ज़रूर से जाकर चैनल पे देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे ट्रिक्स हम कर रहे हैं. ट्रिक्स जितनी भी हैं आपके लिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रिक्स ऐसी हैं PQRS की जिनको अगर आपने सीख लिया है, मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे विद इन 10 सेकेंड, इट्स अ गारंटी. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन. सबसे पहली बात गाइस कि इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. आपको सिर्फ जाना है लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे जाकर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, वहां पे आपको मिल जाएगी फ्री PDF. चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है. आपको क्या करना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगी, आपको स्क्रीन पॉज करनी है, खुद से ट्राई करना है, खुद से सीक्वेंस बनाना है. जो लोग पहले देख चुके हैं, मेरे पुराने स्टूडेंट्स, वो ऐसे ही करेंगे. जिनने नहीं देखा है एक भी सेशन, जिन्हें नहीं पता है एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, किस तरीके से हमें 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व करना है, तो वो मेरा कॉन्टिन्यूस बिना पॉज किए देखते रहेंगे सोल्यूशन. तो चलिए, जितने भी लोगों ने एक भी सेशन मेरा देखा है, सीखा है एलिमिनेशन मेथड, वो स्क्रीन को पॉज करेंगे, 10 सेकेंड के लिए खुद को टाइम देंगे एंड सॉल्व करेंगे क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 41 क्वेश्चन आपके सामने है. आपको पता है एलिमिनेशन मेथड, स्क्रीन पॉज करिए, 10 सेकेंड के लिए मुझे आंसर बताइए. अब टेक अ सिंपल ग्लास फाइल. ग्लास फाइल होता है गाइस, छोटा सा जो ग्लास का जार होता है उसको हम बोलते हैं ग्लास फाइल. इसके बाद क्या आएगा एलिमिनेशन मेथड में, क्या होता है, हम सिंपली ऑप्शन से करते हैं एलिमिनेशन मेथड को. देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट कौन सा होगा, उसी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट हमारा पहला है. जिस ऑप्शन में वो हमारा पहला स्टेटमेंट होता है, उसको छोड़ के हम बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं. एलिमिनेशन मेथड में हम ऑप्शन को कैंसिल करते हैं और मिल जाता है हमें हमारा आंसर. तो चलिए देखते हैं गाइस इसमें क्या है. अब ये जो क्वेश्चंस हैं, पहले जो बार पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, फर्स्ट एंड सिक्स्थ स्टेटमेंट हमारा फिक्स्ड है. आपको सिर्फ PQRS करना है अरेंज. पहला और लास्ट स्टेटमेंट फिक्स्ड है. अब देखते हैं, स्मॉल ग्लास फाइल आपने ले लिया, उसमें आप करेंगे क्या. क्लोज द जार टाइटली. चलो क्लोज कर सकते हैं हम. प्लेस दिस फाइल इनसाइड द ग्लास जार, ये भी हो सकता है. फिल इट विथ कलर्ड वाटर, अच्छा जी, एंड देन स्टॉप इट टाइटली. अब बताइए, आपने कोई ग्लास जार लिया है, सबसे पहले आप उसमें कुछ डालेंगे ना, सबसे पहले कुछ डालेंगे, तभी तो जार को आप टाइटली उसका ढक्कन बंद करेंगे, और तभी तो आप उसको कहीं रखेंगे. तो सबसे पहले आप जार में क्या करेंगे, आपने जब कुछ फिल किया है तभी तो आप उसका ढक्कन बंद करेंगे. तो सबसे पहले फिल की बात आएगी, ऑप्शन नंबर आर सबसे पहले आएगा. ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट आर सबसे पहले आएगा. अब ऑप्शन में देखें तो थर्ड ऑप्शन सिर्फ ऐसा है जिसमें आर पहले आ रहा है. इतनी ईजिली हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा आंसर. क्लियर है गाइस, एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है. इस वाले क्वेश्चन में तो मुझे लगता है हार्डली 5 सेकेंड लगे होंगे. क्लियर है. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन 42 बोल रहा है, इन चाइना देयर इज नो मैन इन द मून. ठीक, इन चाइना देयर इज नो मैन इन द मून. अब देखते हैं इसको क्या फॉलो करता है, कौन सा स्टेटमेंट. इसको अगर आपको पहले स्टेटमेंट से समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा आइडिया में आगे पढ़ के स्टेटमेंट्स को मिल जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है. पहला हमने रीड किया, They are exchanged between friends while children receive toy pagodas made of clay. चलिए ठीक है, रख सकते हैं, लेकिन they किसके लिए यूज़ हो रहा है. अभी कुछ ऐसा नाउन तो आया नहीं है जिसके लिए हम they यूज़ कर सकते हैं, तो P फॉलो नहीं करेगा. अब बात करते हैं किसकी, R, Q की. These cakes are circular. कौन से cakes? अभी तो किसी केक की बात नहीं हुई है, तो इसको भी कर देते हैं एलिमिनेट. लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया आया है कि ये मून मतलब किसी केक की बात हो रही है, पैसेज किसी केक के बारे में है शायद जो मून के शेप पे हैं. आर क्या है, इंस्टेड देयर इज अ टॉड इन द मून एज वेल एज मून रैबिट्स एंड गॉडेस. मून मतलब चाइना का एक तरीके का केक है, जितना मुझे समझ में आ रहा है इसका सेंस निकल के. तो मून पे कोई मैन नहीं है, बल्कि मून पे टॉड है. टॉड मतलब मेंढक. मून पे मून रैबिट्स हैं और एक गॉडेस है. अब ये असली तो होंगे नहीं, जैसे चाइना की चीज़ है तो आप बोल भी नहीं सकते, हो सकता है असली हो. लेकिन ये केक के ऊपर की एक तरीके से डेकोरेशन की तरह है, केक के ऊपर हैं. तो सबसे पहले क्या होगा, मैन नहीं है. इंस्टेड देयर इज स्टॉर्ड, सेंस वन के बाद कौन बना रहा है, आर बना रहा है कि मैन नहीं है, लेकिन उसकी जगह इंस्टेड
देयर इज स्टॉर्ड इन द मून एज वेल एज मून रैबिट्स एंड अ गॉडेस. पता चल रहा है सबसे अच्छा सेंस कौन बना रहा है, वन के बाद आर बना रहा है. नहीं समझ में आ रहा है तो आप एस को भी पढ़ सकते हैं क्योंकि सिर्फ वही छूटा है. ऑल दीज, लेकिन ऑल दीज तभी तो आएंगे जब हम इनकी ना इन सब के नाम ले लेंगे. सिर्फ मैन के लिए तो ऑल दीज आएगा नहीं. सो वन को फॉलो कर रहा है आर. चलिए हमने इतना इसमें टाइम भी वेस्ट कर लिया है. अगर पहले हम ऑप्शंस देख लेते तो चारों ऑप्शन में पहला आर है. ये तो अंडरस्टूड है कि आर तो होगा ही होगा, ठीक है. ये भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है. सबसे पहले गाइस आप ऑप्शंस देखेंगे, आप पहली लाइन पढ़ेंगे उसके बाद ऑप्शंस देखेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे पहले हो सकते हैं. चलिए फिर आर के पास कौन सा है, आर के बाद क्या हो सकता है. इंस्टेड देयर इज अ टॉड, इसमें हमने नाम लिया है कि कौन कौन होता है मून पे. अभी हमने पढ़ा था एस में कि ऑल दीज अपियर. मैंने आपको बताया है नाउन प्रोनाउन पेयर बनाते हैं. नाउन्स कौन कौन से हैं, टॉड, मून रैबिट, मून रैबिट है या फिर गॉडेस है, और इन्हीं के लिए प्रोनाउन यूज है ऑल दीज. तो आर और एस का बन जाएगा हमारा पेयर. अब ऑप्शंस में देखिए आर एस किस में आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है. तो बाकी ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए और ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा करेक्ट आंसर. क्लियर है गाइज. अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 43 कराने से पहले गाइज आपको बता दूं मेरा टाइमिंग क्या है, स्केड्यूल हमारा क्या है. MWF में PQRS का सेशन होता है, TTS में स्मार्ट सेशंस होते हैं. टाइमिंग 11 बजे है हर दिन. कॉमन एरर्स के गाइज स्पेशल सेशंस होने के वाले हैं. इनफैक्ट आज ही हमारा सेशन होगा शाम को 4:30 बजे. नोट कर लीजिए टाइम, शाम को 4:30 बजे मेरा सेशन होगा कॉमन एरर्स का स्पेशल सेशन, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आई है आप लोग की कि मैम कॉमन एरर्स को कंटिन्यू करिए. तो आज शाम को हो जाएगा कॉमन एरर का सेशन. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 43. क्या बोल रहा है, एंट ऑब्जर्वेशन होम इज कॉल्ड अ फॉर्मिकैरियम. फॉर्मिकैरियम नाम होता है एंट उस तरीके के होम का जिसमें और एंट का ऑब्जर्वेशन होता है. एक तरीके से छोटा सा कुछ घर टाइप का चींटियों के लिए बनाया जाता है, उसके अंदर उनकी लाइफ्स को हम ऑब्जर्व करते हैं. अब सबसे पहले इसके बाद क्या आएगा, देन इफ अ स्मॉल एंट. अभी तो ऐसा कोई चीज़ बताई नहीं गई है जिसके बाद हम बात करें कि देन इफ अ स्मॉल एंट. नहीं, ये साउंड कर रहा है कंटेक्चुअली प्रॉपर नहीं है. क्यों, यू विल प्रोबेबली डिस्कवर दैट यू हैव सम ऑफ द स्ट्रेंज एंट गेस्ट टू. अभी तो भाई कोई गेस्ट आए ही नहीं है, किसी चीज़ की बात ही नहीं हुई है, तो गेस्ट टू कहाँ से सेंस बनाएगा, क्यों नहीं आएगा. अब आर, इट कैन बी मेड ऑफ टू पेन्स ऑफ ग्लास. बिल्कुल आर आएगा क्योंकि सबसे पहले फॉर्मिकेरियम की बात करी गई है और आर में बताया जा रहा है कि ये किस चीज़ का बना होता है. इट किसके लिए यूज़ है, नाउन है इसमें फॉर्मिकेरियम और प्रोनाउन हमारा क्या है, इट. तो नाउन प्रोनाउन मेक्स पेयर, ठीक है, नाउन प्रोनाउन मेक पेयर, दोनों साथ में रहेंगे. तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ आर पहला हमारा ऑप्शन रहेगा आर. चलिए बीच वाले दो हमारे एलिमिनेट हो गए. अब देखते हैं कौन सा फॉलो करेगा आर को. फिर से हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. अब देखते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ा तो हमने सबसे पहले क्यों पढ़ा, देन इफ स्मॉल एंट हिल इज डग अप केयरफुली. चलिए हो सकता है ये क्यों पढ़ लिया, यू विल प्रोबेबली डिस्कवर दैट यू हैव सम ऑफ द स्ट्रेंज एंड गेस्ट टू. अगेन गेस्ट टू की बात आ रही है, अभी कोई किसी पहले गेस्ट की बात तो हुई नहीं है. जो एंट गेस्ट टू हम लगाएं तो क्यों फिर से इसके बाद नहीं आएगा. पुट हर इन अ जार, लेकिन हर कौन है नहीं पता है. क्यों हमें बता रहा है कि हर कौन है, तो मतलब क्यों इससे पहले आएगा, क्यों की सॉरी पी इससे पहले आएगा. क्यों तो सेंस बना रही रहा है क्योंकि इसमें गेस्ट टू आ रहा है. तो आर के बाद कौन सा आ जाएगा हमारा स्टेटमेंट, पी आ जाएगा. ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 है जिसमें आर के बाद पी आ रहा है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. उससे पहले गाइज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, हमारे जो आपका ये सेशन है इसको शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है वो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की. ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस डेली बेसिस पे PQRS की प्रैक्टिस उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम एग्ज़ाम में यही लेते हैं. लेकिन अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो हार्डली 5 से 10 सेकेंड आपको लगेगा. प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि डेली आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं. बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आप अगर बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे. अब चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज 44. व्हेन अली बाबा रिटर्न्ड ही कॉल्ड हिज वाइफ. अली बाबा कोई एक इंसान है जो अपने घर में एंटर किया और उसने अपनी वाइफ को बुलाया. अब आप किसी को कुछ बुलाते हैं तो सबसे पहले आप कुछ कहते हैं या वो कुछ कहता है. अगर आप बुला रहे हैं तो आप कुछ कहते हैं.
ठीक है, तो शी सेड वाली चीज हट जाएगी, क्योंकि जब उन्होंने बुलाया है तो मतलब उन्होंने ही कुछ कहा है। अब बात आती है कि क्यू आर एस में कौन सा पहला होगा, तो ही सेड आई हैव बॉट सम ज्वेल्स, ठीक है, चलो ये हो सकता है, क्यू बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा, अगला स्टेटमेंट है शी सेड, तो वो तो हट ही जाएगा क्योंकि शी वाली बात हो रही है। एंड एस क्या बोल रहा है, ही सेड बी क्वाइट एंड डू नॉट फाइट इन योर सेल्फ, एस में बोल रहा है कि डरो मत, लेकिन अगर वाइफ ने अभी तक कुछ बोला ही नहीं है तो ये रिप्लाई वो कैसे दे सकते हैं कि डरो मत, बुला के सीधे किसी को ये कैसे बोल सकते हैं कि डरो मत चुप रहो, इसके लिए पहले वाइफ को कुछ बोलना चाहिए ना। तो इससे क्या पता चलता है कि एस वाला स्टेटमेंट भी नहीं आएगा, सिंपल आंसर क्या है, क्यू वाला स्टेटमेंट फॉलो करेगा वन को, ठीक है। सो वन क्यू ऑप्शन देखा, सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें क्यू पहले आ रहा है, तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर फोर इज दी राइट आंसर। आपको सिर्फ मेरे साथ लॉजिक बनाना सीखना है और ये सीखना है कि किस तरीके से हम पेयर करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45, द हेड ऑफ द फैमिली रिटर्न्ड होम फ्रॉम ऑफिस, घर का जो मुखिया था वो घर आया ऑफिस के बाद। अब लॉजिकली इसमें तो सिंपल लॉजिक लग रहा है कि चलो घर आया, वाइफ टोल्ड दैट देयर इज नो कॉफी पाउडर, अरे अभी तो कॉफी की बात ही नहीं आ रही है तो वाइफ क्यों बताएगी, नहीं आ सकता पी। वाइफ अगेन टोल्ड, अभी तो उसने कुछ बोला है, बोला ही नहीं है तो अगेन टोल्ड की बात कहाँ से आएगी, क्यों भी नहीं आएगा। हस्बैंड वांटेड एटलीस्ट अ कप ऑफ टी, ही आ सकता है, लेकिन इसके पहले है हस्बैंड ही वांटेड अ कप ऑफ कॉफी, सबसे पहले एस आएगा क्योंकि सबसे पहले कप ऑफ कॉफी मांगी है उसने, एटलीस्ट के पहले, क्योंकि इसमें आर में एटलीस्ट लगा है, मतलब अगर शायद उसको कॉफी नहीं मिली होगी तभी तो उसने बोला होगा कम से कम हमें टी ही दे दो, तो सबसे पहले उसने कॉफी मांगी है। एस फॉलो करेगा वन को, इससे कौन से हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, थ्री और फोर, ऑप्शन नंबर थ्री फोर हो जाते हैं एलिमिनेट। अब देखते हैं हमारा कौन सा स्टेटमेंट आएगा किसके बाद, एस के बाद। अब पढ़िए, उसने मांगी कॉफी तो रिप्लाई में उससे वाइफ ने क्या बोला होगा, वाइफ टोल्ड दैट देयर वॉज नो कॉफी पाउडर, ऑब्वियसली ये लॉजिक सिंपल बन रहा है, कॉफी की बात दोनों स्टेटमेंट में हो रही है, कॉफी कॉफी दिख रहा है दोनों में, सो एस को फॉलो करेगा पी, ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है गाइस, सिंपली निकल गया, कोई भी देर नहीं लगी, सिर्फ अगर आप बिना एक्सप्लेन किए क्वेश्चन कर रहे हो तो 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 आता है, वेन ही वॉज क्वाइट यंग ली कॉब्यूजर बिकेम इंटरेस्टेड इन आर्ट, जब वो थोड़े छोटे थे तो ली कॉब्यूजर को आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब सबसे पहले सारे स्टेटमेंट्स देखते हैं, एट द एज ऑफ 19, चलो ठीक है ये तो हो सकता है, आ सकता है, बट द बिल्डिंग्स विच इम्प्रेस्ड हिम, अभी कौन सी बिल्डिंग्स की बात आ रही है को समझ में नहीं आ रहा है। एट द एज ऑफ 13, अब ये तो पी से भी पहले आएगा, मतलब पी नहीं आ सकता, क्यू भी नहीं आ सकता, आर आ सकता है। एस एवरी वे ही वेंट ही एडमायर द मैग्निफिशेंट बिल्डिंग, लेकिन उससे पहले अगर पहले स्टेटमेंट में यंग ली कॉब्यूजर की बात हो रही है तो उसके बाद तो उनकी एज की ही बात होगी कि इतनी एज पे उनने क्या किया, तो सेंस जो सबसे प्रॉपर बना रहा है वो आर बना रहा है और पी से पहले आ रहा है क्योंकि जो पी है वो 19 ईयर्स की बात कर रहा है एंड आर 13 ईयर्स की। तो अब देखा हमने ऑप्शन में, अरे वाह, सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐसा है जो आर से बिगिन हो रहा है, हमारे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आगे आपको कुछ नहीं करना है, टच भी नहीं करना है एंड ऑप्शन नंबर वन हो गया हमारा आंसर। गाइज ऐसे ही ऑप्शंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, किरण बुक में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो पैरा जंबल के, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, आई वॉज इन ऑ ऑफ आइंस्टीन एंड हेजिटेटेड बिफोर अप्रोचिंग हिम अबाउट सम आइडियाज आई हैड बीन वर्किंग ऑफ। आइंस्टीन से वो इतना ज़्यादा हेजिटेट हो गए कि उनको अप्रोच ही नहीं किया उन आइडियाज के बारे में जिस पे वो काम कर रहे थे, जो भी ऑथर हैं इसके, ठीक है, जो भी बात कह रहा है ये आदमी उसके लिए ये है, ठीक। तो इसके बाद क्या आ सकता है, आई एंटर्ड हिज ऑफिस, चलो ठीक है आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वेन आई फाइनली नॉक्ड, अब ये एंटर से तो पहले आएगा तो मतलब पी नहीं आ सकता, जब हम कब कहीं पर जाते हैं तो पहले डोर नॉक करते हैं कि पहले एंटर करते हैं, ऑब्वियसली पहले डोर नॉक करते हैं, तो क्यू पी से पहले आएगा, क्यू पी हो गया कैंसिल। ऑप्शंस देखिए, दो ऑप्शन बच रहे हैं, चलिए अब देखते हैं क्यू के बाद पी आएगा, क्यू के बाद आर आएगा।
पहले आर पढ़ भी लेते हैं। द सिंगल वर्ड वॉज बोथ अ वेलकम एंड अ क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ उन्होंने नॉक किया है, नॉक करने के तुरंत बाद कुछ बोलने के तो है नहीं, वेलकम और क्वेश्चन की तो बात ही नहीं आती है क्योंकि इससे पहले एंटर की बात हो रही है। तो क्यू को सबसे अच्छा सेंस तो पी बना रहा है, लेकिन एस पढ़ के भी हम चेक कर लेते हैं। ड्रेस्ड इन इल फिटिंग क्लॉथ्स ही शेड कैरेक्टरिस्टिकली और ही स्माइल्ड अ वार्म वेलकम। लेकिन बिना एंटर किए इनको पता कैसे चल जाएगा कि आइंस्टीन किस तरह की ड्रेस में थे? तो नॉक करने के बाद एंटर करना पड़ेगा, क्यू के बाद आएगा पी। और ऑप्शंस चेक करें तो सिर्फ ऑप्शन नंबर वन ऐसा है जिसमें क्यू के बाद पी आ रहा है, ऑप्शन नंबर वन हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है ना गाइज? कोई कन्फ्यूजन हो पूछिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले गाइज, आपको अगर घर पे बैठ के हमारी ऐप से प्रिपरेशन करनी है जिसपे आपको मिलने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, डिजी बुक्स हैं, डिजी बुक्स के अंदर आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्लस 3 डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड हैं क्वेश्चंस, आप खुद को जज कर पाओगे, कहीं आपको कोचिंग की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर इस टाइम पे हमारा कोड भी यूज़ कर रहे हो बाय 10, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो आपको सिर्फ डाउनलोड करना है योर क्लासेस या फिर हमारी वेबसाइट विजिट करनी है, दैट इज़ store.yourclasses.in। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है गाइस, ध्यान से पढ़िए। जिनने अब इतने क्वेश्चंस के बाद, तो हर स्टूडेंट जो स्टार्टिंग से देख रहा है वो स्क्रीन पॉज करके पहले खुद ट्राई करे क्वेश्चन को करने का, खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा। 48 क्या बोल रहा है? नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। सेंस मतलब क्या निकला कि इसमें कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। उसके बाद क्या आ सकता है? वी हैव टू वर्क एंड देन अलोन वी कैन गेन समथिंग। बिल्कुल ये आ सकता है पी। इट इज ऑनेस्ट एंड कॉन्सेंशियस लेबर अलोन दैट प्रोड्यूसेस वर्क। ये भी आ सकता है। मिलियंस हैव बीन स्टक विद लेयर। ये सेंस नहीं बना रहा है। एस को पढ़े, अ पर्सन हु थिंक्स दैट लक वुड। अभी भी नहीं सेंस बना रहा है। सबसे अच्छा सेंस तो पी क्यू ही बना रहे हैं। पी क्यू ऐसा लग रहा है कि जस्ट वन को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि पहले पी आएगा या क्यू आएगा। अब ये किस तरीके से डिसाइड करेंगे? नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। अब क्यू पहले आएगा और पी बाद में इसलिए आएगा क्योंकि जो बात क्यू में कही गई है उसको डिस्क्राइब किया गया है पी में। क्यू बोल रहा है ऑनेस्ट और कॉन्सेंशियस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और बहुत मेहनत ही आपके रिजल्ट को प्रोड्यूस करा सकती है। और उसको थोड़ा सा और डिफाइंड क्यों में किया जा रहा है कि आपको काम करना पड़ेगा तभी आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, काम बिना नहीं, काम अगर आप नहीं कर रहे हो, हार्डवर्क नहीं कर रहे हो तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो क्यू को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर रहा है पी, तो वन को फॉलो करेगा क्यू और फिर आएगा पी। ठीक है, सिर्फ हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा है? सॉरी, मैंने पी वाला टिक कर दिया है, क्यू पी। ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है QPRS, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चल दिए फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच इज 49। गुरु इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। गुरु किसी इंसान का नाम है जो कि एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। अब इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट आएगा? इट वॉज अबाउट स्ट्रेंज बींग कॉल KUN यूज। ये कहाँ से आ गया? इट वॉज, इट किसके लिए यूज है हमें नहीं पता है। ठीक, तो पी को हटा दिया। द बुक इज़ वेरी पॉपुलर, कौन सी बुक हमें नहीं पता है, अभी तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की बात हुई है। क्यू को हटा दिया। 30 years अगो ही रोट अ स्ट्रेंज नॉवल। हाँ, ये आ सकता है क्योंकि प्रोनाउन यूज हो रहा है, आ सकता है। अगर एस पढ़ें, ही इज ऑल्सो अ फेमस राइटर। एस सबसे अच्छा सेंस बना रहा है वन के बाद क्योंकि ये इंट्रोडक्शन दे रहा है अभी गुरु के बारे में। गुरु यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है लेकिन वो एक फेमस राइटर भी हैं, ये एस बता रहा है। तो सारे अगर ऑप्शंस देखें तो सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एस पहली प्लेस पे आ रहा है। तो सिंपल से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, SRPQ। क्लियर है? कितने हार्डली 6-7 सेकेंड लगेंगे आपको ये क्वेश्चन करने में अगर आप फास्ट फास्ट रीड कर रहे हो तो। क्लियर है गाइस? तो ये थे सारे क्वेश्चंस आज के। एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए एंड मुझे इसका सीक्वेंस फटाफट से कमेंट करके बताइए। जितने भी स्टूडेंट्स बताते हैं मैक्सिमम आंसर आप लोग के सही रहते हैं, दिस इज सो गुड। क्योंकि अगर आप सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ, प्रैक्टिस कर रहे हो ऑल्टरनेट डेज पे और मेरा होमवर्क दिया हुआ कर रहे हो, तो गाइस कोई भी क्वेश्चन आपका पैराजम्बल का गलत होने की कोई भी चांस नहीं है।
तो कर लीजिए फटाफट से ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन अभी मत करिए, मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे ही हमारा सेशन खत्म हो रहा है लास्ट में जाके कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर ज़रूर से बताइएगा। बाकी आपको कोई सजेशंस दे रहे हो तो मुझे ज़रूर से दीजिएगा। किसी सेशन के बारे में अगर आपको कुछ बोलना हो, जैसे कि मैम आप मुझे ये पढ़ा दीजिए इसमें कन्फ्यूजन है, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।